अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में साफ खैरियत से होंगे, अल्लाह की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे अल्लाह की नेमतें खाकर। आज हम बना रहे हैं छोले का पुलाव, छोले की बिरयानी। ये हम प्याज डाल रहे हैं इसके अंदर, हमने आधी प्याली घी डाल दिया है। आधी प्याली घी डाल दी हमने उसके अंदर। अब हम प्याज फ्राई करेंगे इसमें। ये हमने चार बड़े साइज के प्याज ले लिए। प्याज फ्राई करके निकाल लेंगे उसके अंदर लाइट ब्राउन। ये हमारा होममेड बिरयानी मसाला है, इसकी रेसिपी भी हमारी पेज पर पड़ी है। इसके हम 3 स्पून लेंगे और ये 2 तेज़पात ले लेंगे। इसमें गरम मसाला पिसा हुआ है, सब सारी चीज़ें ऐड हैं इसके अंदर। ये हमारी प्याज फ्राई हो गया, हम इसे निकाल रहे हैं। ये हमारा होममेड बिरयानी मसाला है और ये हमने 3 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। गरम मसाला हमारा मसाले में भी पिसा हुआ है और ये 1 बड़ा टेबलस्पून हमने जीरे का भर के ले लिया और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया और थोड़ा सा काला नमक डाला है इसलिए ये छोले। ये अदरक लहसुन हमने इसमें डाल दिया है। अब हम अपने मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाह। छोलों की वजह से हमने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून काला नमक डाला इसके अंदर ताकि वो गैस का मसला ना हो डाइजेस्ट करने के लिए। अपना मसाला भून लेंगे। ये हम नमक डाल रहे हैं छोलों के लिए। 1 पाव छोले हैं हमारे। हमारा मसाला तैयार हो गया है हमारे छोले। अब हम चावल रखेंगे अपने दम पर। हम तेल लगाएंगे बिरयानी को अपनी, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये तेल लगा रहे हैं हम। प्याज डालेंगे। चावल डालेंगे। ये आलू ग्रेवी डाल देंगे। ये आलू और छोले की प्याज डालना है इसमें। रंग डालेंगे और दम लगा देंगे। ये हम जर्दे का रंग डाल रहे हैं, केवड़े के वाला। ये हमने जर्दे का रंग डाल दिया। अब हम इसे दम पे रख रहे हैं 5 से 10 मिनट। फिर आपको